अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, यही से स्टार्ट करेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे। मोहब्बत कहाँ है? आप एक दुकान बगैर वजूद के छोड़ के आए हो? आपको वजूद दिखाना है, ताकत देखनी है, आप कचहरी पर जाओ, आपकी ताकत हम देखेंगे। आप हाथ लगा के दिखा दो कचहरी पर, पहुंचिए आप। चंदौसी में कर्जी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जेसीबी मशीन भारी विरोध के बाद भी तोड़े दुकानों के बाहर के निकले स्लिप। संभल के चंदौसी में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में पालिका कर्मियों की काफी संख्या में उपस्थित दल ने कोतवाली पुलिस प्रशासन के सहयोग से फुब्बारा चौक से लेकर गांधी मूर्ति मुख्य मार्ग तक जब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया, तो शुरुआती दौर में ही क्षेत्रीय दुकानदारों ने नगर पालिका की तानाशाही रवैया व पक्षपात का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। पर नगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ टीम धीरे धीरे विरोधी को झेलते हुए जब एसएम कॉलेज में बनी एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार की दुकान पर पहुंची, तो दुकान स्वामी ने नगर पालिका और सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रशासन के सामने ही अतिक्रमण को हटाने की बजाय बुलडोजर के सामने आकर अपनी पहुँच व पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लेने की धमकी देते हुए उपस्थित सरकारी अमले को चौंका दिया। इस पर काफी नोकझोंक का माहौल बन गया। लंबे समय तक चली इस जद्दोजहद के बाद 1,000 रुपए की अतिक्रमण शुल्क की रसीद काटकर मौखिक रूप से 2 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहते हुए आगे बढ़ गए। एक छोड़ के पेट्रोल निकाल के हाथ में नहीं करूंगा, यही सुसाइड सामने जाटो डालो, मैं देखूं आप। एक देश में दो कानून कैसे चल जाएंगे भैया? सुसाइड करने की नौबत क्यों आ रही है? सुसाइड करने की नौबत इसलिए आ रही है कि एक देश में दो कानून। अभी पीढ़ी की पूरी मेरी तो दुकान का वजूद है, GST देता हूँ, सेल टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स सब देता हूँ। आप बताओ वो दुकान पीछे छोड़ के आए उसके क्या वजूद है? वो टोटल नाले पे बनी हुई दुकान है, ये है, ये देखिए आप नाले पे ये पूरी दुकान बनी पड़ी है, बताओ इसका कोई वजूद है? इस दुकान का वजूद है कोई? आपने छोड़ी कैसी ये दुकान? मैं अभी हाल अपने हाथ से तोड़ूंगा, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तोड़ूंगा। लेके आइए है, आप तोड़ के आइए उधर से, आप आइए। ध्यान चलाया गया है, इसमें क्या कहेंगे आप, कहां से कहां तक चला और क्या क्या कार्रवाई हुई? देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप जो है अतिक्रमण अभियान जो है, एक तो भीड़ भाड़ बहुत है, अतिक्रमण हो गया था काफ़ी हद तक, तो हमने एक पूरा प्लान शहर के लिए बनाया, जो अभी प्रथम चरण में हमने फव्वारा चौराहे से शक्ति नगर तक का बनाया। वर्तमान में फव्वारा चौराहे से दादा स्वीट्स तक चला, जिनका अस्थायी रूप से था और ये था कि हटा सकते हैं, उन्होंने 2 घंटे का मोहलत मांगी, उनको जो है हमने एक सम्मान शुल्क लेके 2 घंटे के लिए छूट दी। नोटिस इशू किए गए थे इससे पहले? नोटिस भी इशू किए गए थे और लगातार मेरी 5 दिनों तक जो है माइकिंग होती रही कि आप अपना सामान हटा लें और अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो जैसे भी लोगों से विवाद भी हुआ है, उसके पीछे क्या बताएंगे, क्या जाहिर करना? देखिए, ऐसा है, एक दादा स्वीट्स करके हैं, उनके यहाँ ये उन्होंने कहा कि साहब जो है हमारे यहाँ से फव्वारा चौक से क्यों शुरू हो रहा है, आपका जो है FR रोड से शुरू होना चाहिए, दूसरी जगह से शुरू होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, ऐसा है, कहीं से तो आप शुरू करेंगे ही। अच्छा, आगे क्या अभियान है, आगे क्या फिर अतिक्रमण चलाया जाएगा? अभी 3 दिन के बाद दादा स्वीट से चलेगा शक्ति नगर तक का पूरा इस रोड पे। जैसे कि दादा स्वीट्स वालों ने अभी कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, सुसाइड करूँगा अभी यहीं तेल डाल के, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो उन्होंने जैसे भी कहा और कोतवाल साहब मौके पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा सरकारी कार्य में आप बाधा न उत्पन्न करें, अन्यथा की स्थिति में आपको जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि ठीक है साहब, जो है आप हमें 2 दिन का मोहलत दे दीजिए, आप लोगों के सामने ही बात। शहर के लोगों की कुछ प्रतिक्रिया है कि संवेदनशील लोग क्षेत्र में आप नहीं जाते, आपकी नगर पालिका प्रशासन नहीं जाती, नहीं आप क्या कहना चाहेंगे? शहर क्या इसके पीछे डर है नहीं, या कुछ और कारण है? शहर के अभी आपने ये महसूस किया होगा, रोड से लोग काफ़ी लोग जा रहे थे जो काफ़ी प्रसन्न भी थे।